आज हम ये देखते हैं कि जावा में डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। अगर एक डेटा टाइप के वेरिएबल का वैल्यू दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में अगर रखना है तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जन। तो जावा में ये किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। जावा में कन्वर्जन दो तरह का होता है। पहला होता है वाइडनिंग मेथड और दूसरा है नैरोइंग मेथड। वाइडनिंग मेथड को ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहा जाता है। अगर वाइड रेंज के डेटा टाइप में स्मॉल रेंज का डेटा टाइप हम स्टोर करना चाहते हैं तो जावा उसे डायरेक्टली अलाउड करता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक कहेंगे। जैसे कि डबल डेटा टाइप का साइज फ्लोट से बड़ा है तो फ्लोट डेटा टाइप का वैल्यू हम डबल डेटा टाइप के वेरिएबल में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं बाइट x इज इक्वल टू 10 और इंट y में x का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। यहाँ जो बाइट टाइप का डेटा है उसका मेमोरी साइज है 1 बाइट और इंट का 4 बाइट्स, तो 1 बाइट का डेटा 4 बाइट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। जावा में बुलियन डेटा टाइप और बाकी के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन कैर डेटा टाइप और नंबर डेटा टाइप्स एक दूसरे से कंपैटिबल है। यानी कि अगर हम बाइट वेरिएबल में कैर वैल्यू स्टोर करते हैं तो जावा एरर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं बाइट एक्स इज इक्वल टू सिंगल कोट में ए, तो यहाँ ए का यूनिकोड वैल्यू बाइट में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लार्जर साइज का न्यूमेरिक डेटा स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जावा में ऐसा करने के लिए हमें नैरोइंग कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज करना होगा। इस कन्वर्जन के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है टाइपकास्टिंग। जैसे कि अगर हम लिखते हैं इंट y इज इक्वल टू 30 बाइट x इज इक्वल टू y, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या होगा, यहाँ इस y वेरिएबल के पहले हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में बाइट। यानि हमें अगर लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल जो बाइट x है उसमें इंट या दूसरे किसी टाइप का डेटा स्टोर करना है तो उसके पहले ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड के डेटा टाइप का नाम लिखना होगा, इसे कहेंगे टाइप कास्टिंग। अब अगर हमारा कोड कुछ इस तरह से है तो यहाँ इंट और फ्लोट डेटा टाइप का साइज सेम होता है लेकिन इसका आउटपुट होगा एरर। ये एरर है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। यानि फ्लोट डेटा टाइप जिसमें डेसिमल पॉइंट्स है तो इस डेसिमल पॉइंट का वैल्यू इंटीग्रल टाइप इंट में स्टोर नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम यूज करेंगे टाइप कास्टिंग। लेकिन यहाँ पे टाइप कास्टिंग करने के बाद भी लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल इंट है इसलिए डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं हो सकते। यहाँ हमने यूज किया है डबल डेटा टाइप जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और टाइपकास्ट कर रहे इंट एक्स के लिए। तो एक्स का वैल्यू हमें दिख रहा है 30, तो यहां पे इंटीग्रल पार्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब जावा का प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है राइट अ जावा कोड टू एंटर प्राइस ऑफ एन आइटम एंड डिस्प्ले रुपीज एंड पैसा सेपरेट। मतलब हम अमाउंट एंटर करेंगे और उसका रुपीज अलग से दिखाएंगे और पैसा अलग से दिखाएंगे। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम दो अलग अलग लॉजिक यूज करेंगे। यहाँ हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं जो java.util पैकेज में है। स्कैनर क्लास डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग इनपुट मेथड्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि नेक्स्ट इंट मेथड इंट डेटा टाइप के लिए है, नेक्स्ट लॉन्ग लॉन्ग के लिए, नेक्स्ट फ्लोट फ्लोट के लिए, नेक्स्ट डबल डबल के लिए और नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए यूज होता है। यहाँ नेक्स्ट डबल मेथड यूज करके हम इनपुट कर रहे हैं प्राइस वेरिएबल के लिए। नेक्स्ट लाइन में हमने इस प्राइस को
100 से मल्टीप्लाई किया है और प्राइस को कन्वर्ट किया है पैसा में, यानी कि अगर प्राइस हमारा 10.5 होगा तो कन्वर्जन के बाद वो हो जाएगा 1050। अब इस 1050 वैल्यू को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमें मिलेगा रुपीस का वैल्यू और रिमाइंडर में हमें मिलेगा पैसा का वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। यहाँ हमने नेक्स्ट डबल मेथड ही यूज़ किया है जिससे हमने प्राइस के लिए वैल्यू एंटर किया। अब अगर इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं 10.5 तो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा 10, जो टाइपकास्ट करने के बाद यहाँ रूपी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इस कैलकुलेटेड वैल्यू रूपी को हमने डिस्प्ले किया है। अब अगर एंटर्ड प्राइस जो 10.5 है उससे हम 10 को माइनस करते हैं, यानी रूपी को माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है 0.50। और इस 0.50 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 50, लेकिन ये होगा डेसिमल पॉइंट में, तो हम इसे टाइपकास्ट करेंगे इंट में तो हमें मिलेगा 50, जो 50.0 का इंटीग्रल पार्ट है। अब सोचना ये है कि ये दोनों लॉजिक में से बेहतर कौन सा है। अब जो पहला लॉजिक हमने यूज किया है वहां हमने रुपी और पैसा 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पैसे को हम जब 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर में आता है रुपीस और रिमाइंडर में रहता है पैसा। जो सेकंड लॉजिक है वहां हमने टाइपकास्टिंग मेथड यूज किया है। ये टाइपकास्टिंग मेथड अगर लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करते हैं तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा यूज करने पे रन टाइम परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग जब हम करते हैं या टाइपकास्टिंग जब हम करते हैं तो दो अलग अलग डेटा टाइप पहले चेक किए जाते हैं और उसके बाद उसका कन्वर्जन किया जाता है, तो रन टाइम ओवरहेड इंक्रीज होगा। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इंटर ऑपरेबिलिटी फीचर, यानी कि कोई लैंग्वेज अगर दूसरे लैंग्वेज को एक्सेस करता है तो ये कन्वर्जन इशू क्रिएट करता है। इसलिए यहाँ पे जो अपना पहला लॉजिक है वो बेहतर माना जाएगा।